तो आज इस वीडियो में आपको मद्देनजर रखते हुए आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा लोन एप्लीकेशन लेकर आया हूं, जिसमें आप इमरजेंसी में इंस्टेंटली लोन ले सकते हो। लाइक जैसे अभी मेरे रूम में मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, तो मुझे अभी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो अगर आप चाहो तो इंस्टेंटली उस एप्लीकेशन से लोन लेके अपने रूम में एसी लगवा सकते हो, आप अपने रूम में पंखा लगवा सकते हो, आप महंगे से महंगा पंखा लगवा सकते हो। बस कर भाई, ज्यादा हाथ ऊपर मत कर, पंखे में आग चला जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले स्टैश फिन पर्सनल लोन एप्लीकेशन का। आप परेशान ना हो, बेटेंशन रहे, ठीक है। अगर आपको लोन लेना, अगर आपको कोई भी लोन एप्लीकेशन इंस्टेंट पर्सनल लोन नहीं दे रहा है, तो स्टैश फिन एप्लीकेशन आपको लोन देगा। जब ये एप्लीकेशन यूट्यूब पे दूसरों की शादियों में आग लगा सकता है, जब ये एप्लीकेशन के एडवर्टाइजमेंट करने वाले छत तोड़ के नीचे आ सकते हैं, जब वो इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, तो वो आपको भी इंस्टेंट पर्सनल लोन दे सकते हैं। तो बोलो जय माता दी। तो आज की इस वीडियो में इसी एप्लीकेशन का रिव्यू करने वाले, सो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखना। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं हूं कटप्पा और आप देख रहे हैं टेक्निकल सुमित। तो हम आज के मोबाइल स्क्रीन पर एंड यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे को बतानी है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं इस एप्लीकेशन से ऑलरेडी 1.5 साल पहले लोन लिया था, ठीक है। तो मैंने लोन कितने का लिया था, ओनली 30,000 रुपीज का मैंने लोन लिया था। अगेन वो मैंने 1 महीने डिले कर दी थी पेमेंट, पैसे नहीं थे मेरे पास, तो मेरे से ही डिले हो गई थी, ठीक है। तो उसकी वजह से मेरे से बहुत ज्यादा पेनल्टीज लगी और बहुत ज्यादा सिविल स्कोर खराब हुआ, बिल्कुल मेरी तरह। पूछा किसी ने? हाँ, तो मेरी तरह खराब नहीं हुआ, बट फिर भी मेरा सिविल स्कोर खराब हुआ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और आपको एक चीज बता दूं, ये एप्लीकेशन रियल में लोन देता है और कम इंटरेस्ट पे भी लोन दे ही देता है। समथिंग नहीं है, ये भी नहीं कहूंगा कि कम इंटरेस्ट है और ज्यादा भी नहीं है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट लगता है। आप देख सकते हो, मैंने यहीं से, आप देख लीजिए एग्जाम्पल, मैंने 3,000 रुपए का लोन लिया था एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 4,400 मैंने पे किए हैं 1 महीने के, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इससे लोन लेते हो तो ये रियल में लोन दे भी देगा और आपको इसमें रिपेमेंट भी करनी पड़ेगी अगर आपने डिले कर दिया, अगर आप मेरी तरह डिले कर दिए इस तरीके से, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रूफ देख लीजिए, मेरे अभी तक 1.5 साल 2 साल होने जा रही है मेरे को समथिंग, तब से अभी तक मैं नॉट एलिजिबल हूँ, एक बार मैंने रिपेमेंट टाइम से नहीं किया इसलिए। तो इस एप्लीकेशन ने मेरे को लात मार के निकाल दिया कि जा भाई अब निकल, तेरी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इस एप्लीकेशन से एक बार को लोन ले लो और आप टाइम पे रिपेमेंट ना करो, तो इस एप्लीकेशन में लोग ऐसे गिरते हैं, मतलब इनकी नजरों में लोन लेने वाले ऐसे गिरते हैं जैसे मार्केट में आलू। तो देखो, अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बिगाड़ रखी है, सॉरी बना रखी है, तो आप उस वीडियो को भी देख के वहां पे अप्लाई करना सीख सकते हो। और अगर आप इस एप्लीकेशन से, अगर आपको लोन ना मिले, अदरवाइज आपको इस एप्लीकेशन से लोन ना मिले, तो मैंने आपके लिए टॉप 5 रियल लोन एप्लीकेशन जिसपे इंस्टेंटली 10 से 5 मिनट में लोन आपको मिल सकता है, तो आप उन एप्लीकेशनों को भी डिस्क्रिप्शन से ही पैदा डाउनलोड कर सकते हो। लोन एप्लीकेशन है, ये बहुत अंबानी टाइप के इंसानों ने क्रिएट किया है, बनाया है, ठीक है। तो मतलब बहुत अंबानी ओनर है इन एप्लीकेशन के। तो अगर आप इस पे लोन लेते हो तो आपको रियल में लोन मिल तो जाएगा, लेकिन आप बड़े लोन की जगह आप छोटे लोन एप्लीकेशनों से भी बात बना के रखें, क्योंकि बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े नोट और बड़े बड़े लोन एप्लीकेशन बदल सकते हैं, इसलिए आप छोटे छोटे लोन एप्लीकेशनों से भी अपना कॉन्टेक्ट बनाए रखें। बिल्कुल सही। आई मीन जैसे आप मेरी गर्लफ्रेंड से, आप अपनी गर्लफ्रेंड से बना के रखें। किसे कह रहा?